बच्चों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और उसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये वही प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्टेड हैं। हमने आपको सिर्फ एक लिंक भेजा और उस लिंक के थ्रू आप लोगों ने क्या किया, सिंपली आप लोगों ने लिंक को क्लिक किया, कुछ लोगों ने वेब ऐप के थ्रू ज्वाइन किया हुआ और कुछ लोगों ने मुझे डिफरेंट वो किया है, लाइक डाउनलोड करके ऐप ज्वाइन किया। मोस्टली हम अभी जितना भी काम करेंगे ये मैं आप लोगों को डिपेंडेंट नहीं करूंगा कि आप लोगों ने लाइक कुछ चीज डाउनलोड कर ली है, हम सारी चीजें ऑनलाइन कर रहे हैं। आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए और एक लिंक चाहिए था, जो कि आपको लिंक मिल गया और अब आप हमारे साथ कनेक्टेड है। सो आप देखिए, आपने क्योंकि ये ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है, आप लोगों को जो मैं चीजें बता रहा हूँ, यू नीड टू फैसिलिटेट अदर्स एज वेल इन अडॉप्शन, इन यूजेबिलिटी एंड इन कंजम्पशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। अब ये काम आप लोग कैसे कर सकेंगे, मैंने आपके लिए एसएच प्रेजेंटेशन प्रिपेयर नहीं की, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू प्रैक्टिकल स्टफ ताकि आप लोगों को चीजें समझ आए, और हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे कि एट द एंड मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वो करें, लाइक आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दीजिएगा एंड देन वी विल मूव ऑन। अच्छा, अब देखिए सबसे पहली चीज ये है कि मेरा डेस्कटॉप शेयर होना चाहिए आप सब लोगों के साथ। सो मैं अभी आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और जब मेरा ये डेस्कटॉप शेयर हो जाएगा तो फरूख आई विल ओनली आस्क यू टू क्वेश्चन, जस्ट राइट अ यस ऑन द मैसेज बॉक्स। अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सिर्फ यस लिख दीजिए मैसेज बॉक्स के अंदर ताकि मैं आगे मूव ऑन करूँ। ओके परफेक्ट। So, आप होपफुली आप सब लोगों को मेरी मेरा डिस्प्ले नजर आ रहा है, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है। आपने दिन एक कंसिडर ये करना है कि यही प्लेटफॉर्म आपके टीचर के पास है, टीचर्स अपनी मर्जी से लिंक क्रिएट कर सकेगा, बच्चों के साथ शेयर करेगा, और आपके बच्चे घर बैठे जैसे आप अपनी लोकेशन पे बैठे हुए हैं, आई एम सिटिंग इन इस्लामाबाद राइट नाउ, तो मैं यहाँ से आपके साथ कनेक्टेड हूँ, मैंने अपना पूरा पीसी आपके साथ शेयर किया हुआ है, और अगर मैं आपको कोई चीज प्रेजेंट करना चाहता हूँ, कोई वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ, और जो भी मैं काम करना चाहता हूँ, मैं बड़े इफेक्टिव तरीके से या वो चीजें कर सकता हूँ आपके सामने। तो मेरा एक तो चीज ये है कि टीम्स आपको ये कैपेबिलिटी देती है कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर जाएं और डिफरेंट लोगों को वो कर लें, कनेक्ट कर लें, डिफरेंट लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मैं अभी दोबारा म्यूट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डिस्ट्रॉक्शन ना आए। और अब नाउ वी हैव 46 पीपल कनेक्टेड, दे आर सिटिंग एट डिफरेंट लोकेशंस, और हर जगह से हर बंदा अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे, इस ऑनलाइन कॉल पे कनेक्टेड है। सो दिस इज वन थिंग। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टीचर्स को डेफिनेटली इस पोर्टल को यूज करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, और हम हर टीचर को रीच नहीं कर सकते, हम लोगों ने आपको चूज किया इस काम के लिए, बिकॉज ये टीचर्स आप लोग इनको डेली बेसिस पे मैनेज कर रहे होते हो। अब आप लोगों ने देखिए, एक जो पहली चीज थी क्लासरूम, अब डिजिटल क्लासरूम के कॉन्सेप्ट है, ये प्रॉपर डिजिटल क्लासरूम है। व्हाट इज क्लासरूम, क्लासरूम कहते हैं जहाँ टीचिंग और लर्निंग हो रही हो। सो यू आर कनेक्टेड विद मी, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, दिस इज व्हाट वी नीड राइट नाउ, ठीक है, इन दिस डिफिकल्ट टाइम। और दिस इज नॉट ओनली के ये जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, दिस प्लेटफॉर्म विल बी विद यू फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है। आपको एक प्रॉपर डिजिटल ट्रांसफॉर्म कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट इस टाइम, कि आप लोगों की कैपेसिटी भी बिल्ड करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेनिंग, जिस तरीके से हम अभी आप लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, हम आप लोगों को गाइड करेंगे, इक्विप करेंगे। दूसरी चीज है एक्सेसिबिलिटी, तो आपको आप ये समझिए आपके पास सबके पास इस ऑफिस 365 का पोर्टल अवेलेबल है, बिकॉज आपकी आईटी डिपार्टमेंट के साथ हमारी बोर्ड की मीटिंग हो चुकी है, हमने आपके लाइसेंस अप्रूव करवा दी है, आपके पास सब चीजों की कैपेबिलिटी मौजूद है। फरूख एट द एंड ऑफ द सेशन आप सब लोगों की लॉग इन और पासवर्ड क्रिएट करके हर बंदे को एक लॉग इन मिल जाएगा, ऑफिशियल ईमेल आईडी पे और एक पासवर्ड मिल जाएगा, और ये भी लॉग इन और पासवर्ड चाहिए इस पोर्टल को एक्सेस करने के लिए, ऑनलाइन कॉल करने के लिए, और टीचर्स को स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। बहुत से टीचर्स आपके ऐसे होंगे जिनके पास लाइक लॉग इन और पासवर्ड नहीं है, लाइक अभी आप लोगों के पास लॉग इन और पासवर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ कनेक्टेड है, मींस दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, कि आप लोगों के पास कोई लॉगिन नहीं था, कोई पासवर्ड नहीं था, आप इस पोर्टल पे नहीं थे, बट स्टिल आपको एक लिंक मिला, आप लोगों को कनेक्ट किया, और आप लोग नई चीज सीखने जा रहे हैं। ये सेम प्रोसेस आपने अडॉप्ट कर रहे हैं टीचर्स के साथ भी। बहुत से टीचर ऐसे होंगे जो कहेंगे जी हमारा इंटरनेट स्लो है सर, हमारे पास लॉगिन और पासवर्ड नहीं है। सो उन सब चीजों की जो पॉसिबिलिटीज है वो सारी चीजें अवेलेबल है।
अब मैं आपको प्रैक्टिकली लेके जा रहा हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। द फर्स्ट थिंग, मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है क्या, ये जिस प्लेटफॉर्म से आप मेरे साथ कनेक्टेड है इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक कोलेब्रेशन कम्युनिकेशन का एक प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट टीचर्स को प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को प्रोवाइड करता है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डेली बेसिस पे अपनी जितनी भी ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन करते हैं, लाइक आप बहुत से लोगों को मैसेज कर रहे होते हैं या पर्सनली बात कर रहे होते हैं या ईमेल्स कर रहे होते हैं या फिर आप लोगों ने उनके साथ कनेक्ट होना है, आप सिनेरियो ये है कि हर बंदा अपने घरों में बैठा हुआ है, डिफरेंट लोकेशन पे बैठा हुआ है, आपका स्टूडेंट अपने घरों में बैठा हुआ है, लेकिन यू बेसिकली नीड टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन कि हम उन बच्चों को इंगेज कैसे कर रहे हैं, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर 70 मिलियन डेली बेसिस पे यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग में यूज हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट टॉप नंबर पे है इस टाइम। तो आप लोगों को वो ही प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय खुद यूज करता है, मींस द लाइसेंस वर्जन। ये ओपन सोर्स नहीं है जैसे आप जूम यूज करते हैं या कोई और चीज यूज करते हैं या आपकी डाटा सिक्योरिटी, कोई भी बंदा उस कॉल में इन हो सकता है, आउट हो सकता है, आपके पास सेटिंग्स की ऑप्शंस नहीं होती, आप कंट्रोल नहीं कर सकते बहुत सी ऑप्शंस को, लेकिन इस पोर्टल के ऊपर आपके पास ये सारी ऑप्शन, ये सारी पॉलिसीज अवेलेबल होगी। अब हम स्टार्ट करें तो बिल्कुल स्टार्ट से व्हाट यू नीड टू डू, मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ और इस वेबसाइट का नाम है office.com। ये वेबसाइट है मेन जहाँ आप लोगों ने जाना है, आप लोगों ने कोई चीज डाउनलोड नहीं करनी, आप लोगों ने कोई भी चीज डाउनलोड नहीं करनी। मैं अभी ऑनलाइन का वेब वर्जन यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले इस चीज का। और वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है उसका नाम है जी office.com। ऑफिस आप सब लोग यूज करते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 आप यूज करना है, आप लोगों ने टीम्स ऑफिस 365 का एक पार्ट है, एक ऐप है इसकी। तो अभी मैं साइन इन होऊंगा और सारी ऑप्शंस आपको बताता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आप सब लोगों के साथ मैसेज बॉक्स में ही लिंक्स भी शेयर कर जाता हूँ जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सो ये वो वेबसाइट है office.com जिस पे आप लोगों ने क्लिक करना है जब आपके पास लॉगिन और पासवर्ड आपको आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट पे जब आप लोग जाएंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का। इस पेज के ऊपर ये आपसे पूछ रहा है साइन इन विद योर क्रेडेंशियल्स, तो आपको सिंपल साइन इन पे क्लिक करना है। तो ये आपसे आप लॉग इन और लॉग इन साइन इन की ईमेल आई डी आपके मांग रहे हैं और ये आपसे पासवर्ड मांगेगा। लेट मी म्यूट ऑल अगेन। तो ये आपके पास लॉग इन आपसे पूछ रहा है और ये आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। सो मैं फॉर एग्जाम्पल एक लॉग इन मेरे पास ये है farooq@sell.gov.microsoft.com, इसको आगे करते हैं एंड लेट साइन इन विद दिस अकाउंट। तो आपने क्या किया, लॉग इन और पासवर्ड आपको आईटी डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर देगा, आपने वो लॉग इन किया, पासवर्ड दिया, तो आप इस पोर्टल के अंदर इन हो गए। तो आपके पास ये मेन पेज ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए, दिस इज व्हाट office 365 इज, और office 365 में आपके पास बहुत सी ऑप्शन है, लेकिन आज हमारा मेन जो फोकस है वो है सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आपके टीचर्स को हेल्प करेगा कि वो अपने बच्चों को की ऑनलाइन क्लासेस अरेंज कर सकें, वो अपने बच्चों को इंगेज कर सकें, बच्चे नो मैटर कि वो किस जगह पे बैठे हुए हैं, किस लोकेशन पे बैठे हुए हैं, उनके पास कौन सी डिवाइस है, तो वो अपनी घरों में बैठ के बड़े इफेक्टिव तरीके से, जैसे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो और मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बता रहा हूँ चीजें, सिमिलरली एक टीचर अपने स्टूडेंट की पूरी क्लासरूम बना के उनको पूरा कोर्स टीच करेगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब मैं जब मैं इस पोर्टल पे आ गया, इस सिंपल office.com पे आपके लॉग इन और पासवर्ड दिया, आप इस पोर्टल में सब इन हो जाओगे। आप यहाँ देखो, अभी मेरा फरुपली के अकाउंट से मैं ओपन हुआ हूँ, तो फरुख का नाम आ रहा है यार, अला सब आप लोगों का नाम आ रहा होगा, हर बंदे का आपका इंडिविजुअल अकाउंट होगा, सिमिलरली आपके टीचर्स का सेपरेट अकाउंट होगा और आपके स्टूडेंट का सेपरेट अकाउंट होगा। तो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट इट कि वो कैसे क्रिएट होंगे, कौन क्रिएट करेगा, वो आपका आईटी डिपार्टमेंट क्रिएट करके आपको हैंड ओवर करेगा। सो हमारा हम एक प्रोसेस कर रहे हैं आपके स्कूल का, इंशाल्लाह एक दो दिन में कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप सब लोगों को आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड मिल जाएगा। आपने अपने अकाउंट से लॉगिन करना है और सिंपली आपने फोकस करना है इस पूरी चीज पे, टीम्स के ऊपर।
तो ये एक टीम्स की ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की। तो मैं इसको क्लिक करने लगा हूँ, जब मैं इस माइक्रोसॉफ्ट की टीम को क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास एक पेज ओपन होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ओपन हो रहा है। तो मैंने किया क्या है, मैं इस पोर्टल पे आया, लॉगिन पासवर्ड दिया और टीम्स पे सिर्फ क्लिक किया मैंने, तो ये इस पेज को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के पेज को लोड करेगा। अभी ये लोड करके ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जिसके ऊपर मैं ऑनलाइन क्लास क्रिएट करूंगा आपके सामने, अभी ये ओपन हो गया मेरे पास प्लेटफॉर्म। आप देखिए यहाँ मेरे पास अभी आ रहा है आपके पास साइंस, मैथ और कंप्यूटर साइंस, मतलब ये तीन सब्जेक्ट है। आप इसको पूछे, आप एक नई टीम क्रिएट करते हैं और उस टीम्स में देखते हैं कि टीम्स, सबसे पहले टीम्स क्या चीज है। टीम्स मैंने आपको बताया एक क्लासरूम है, मींस जहां एक टीचर अपनी टीम बनाता है। एक क्लासरूम है, मींस एक टीचर है, उसके पास लाइक 40 बच्चे हैं, तो उसने एक क्लासरूम सेटअप कर लिया अपने सब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर साइंस लेती है, तो एक टीचर साइंस का एक टीम बनाएगी, एक सब्जेक्ट क्रिएट करेगी और उसमें अपने स्टूडेंट को ऐड करेगी। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्लासरूम सेटअप कैसे होगा। तो जब आप इस पोर्टल पे आए हैं तो आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड पे टीम्स लिखा आ रहा है, आपने सिंपल इसको एक दफा क्लिक करना है और आपके पास ऑप्शन आ रही है ज्वाइन और क्रिएट अ टीम सबसे ऊपर। तो आपने इसको, ये ऑप्शन आपके पास आ गई क्रिएट अ टीम। अब मैं क्लासरूम क्रिएट करने जा रहा हूं आप सब लोगों के सामने इसी टीम्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये है क्रिएट टीम्स, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां सबसे पहली ऑप्शन ही आपको वो क्लास देगा। तो मैं एक क्लास रूम क्रिएट करने लगा हूं बच्चों के लिए अपने, जिसमें मैं डिफरेंट स्टूडेंट्स ऐड करूंगा और इस क्लास का मैं नाम रख रहा हूं जी, फॉर एग्जाम्पल सेंट रख लेते हैं सिन, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं इस, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री की क्लास है और ये सेंट 2020 मैं इसको नाम रख देता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, वो केमिस्ट्री टीच करती है, उसने अपनी इसका नाम लिखा और यहाँ वो डिस्क्रिप्शन लिख सकती है अपने बच्चों की, व्हाट दिस क्लास इज अबाउट। फॉर एग्जाम्पल दिस क्लास इज फॉर ग्रेड 4 स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल। तो ये नेक्स्ट आपने करना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका सिस्टम आपसे पूछेगा कि आपके स्टूडेंट्स कौन है इस क्लास के और आपका टीचर कौन है, मींस केमिस्ट्री को कौन टीच करता है और कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐड होते हैं। पहले मैं टीचर ऐड करता हूँ यहाँ और टीचर में फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, एक नाम सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नाम आया शुमाइला खालिद। सो फॉर एग्जाम्पल शुमाइला खालिद एक टीचर का नाम है और आप ये स्टूडेंट आप लोग जाएंगे और अपने बच्चे ऐड करते हैं और इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट के नाम। अच्छा ये नाम देखें आप लोगों ने, क्योंकि बैकएंड पे सारे यूजर क्रिएट हुए होंगे, आपके हर बच्चे का ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट हुआ होगा, आईटी डिपार्टमेंट आपको करके देगा। आपको किसी बच्चे का ईमेल आईडी याद नहीं रखना, आपको किसी बच्चे का नाम नहीं याद, ईमेल आईडी टीचर ने भी याद नहीं रखना कुछ भी। टीचर को सिर्फ उनके फर्स्ट नेम पता होना चाहिए। लाइक अगर मैं स्टूडेंट से जाता हूँ और मुझे पता कि मेरे क्लासरूम में एक फरहान नाम का स्टूडेंट है, तो मैं फरहान लिखूंगा तो ये खुद शो करेगा मुझे लिस्ट के अंदर फरहान नाम के जितने भी यूजर्स होंगे मेरी उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपने उस फरहान को क्लिक करना है, एक फरहान है, दूसरी जो स्टूडेंट है वो मैं जैन लिखता हूँ, तो एक जैन स्टूडेंट है। थर्ड चीज में फॉर एग्जाम्पल तीसरा स्टूडेंट है इस टीचर का दानिश सलीम, एक और हम ऐड कर लेते हैं दान्याल, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है शुमाइला खालिद, ये जो आपके डिस्प्ले पे नजर आ रही है आपको, और इसकी क्लासरूम में ये बच्चे हैं, एक फरहान है, एक जैन दानिश, और बस आप लोगों ने इसको यहाँ से ऐड कर देना है और इसको जब ये ऐड हो जाए तो इसको क्लोज कर देना है। सो ऑटोमेटिक आप देखेंगे वेलकम टू केमिस्ट्री सेल 2020, ये पूरा क्लासरूम क्रिएट हो गया है, एक पूरा क्लासरूम जो कि केमिस्ट्री की क्लासरूम है। लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है केमिस्ट्री की क्लासरूम और जनरल में। अब आप देखिए जब आप क्लास क्रिएट होती है तो आपके पास ये ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज है पोस्ट। अब पोस्ट क्या चीज है, व्हाट्सएप पे आप डिफरेंट कम्युनिकेशन मैसेज कर रहे होते हैं, लाइक मैसेज करते हैं, रिप्लाई आते हैं, सिमिलरली अब आपका वो प्रॉपर कम्युनिकेशन मॉडल इसके साथ इंटीग्रेटेड है। अब
इस क्लासरूम के अंदर वही बच्चे जिनको मैंने ऐड किया और इसका टीचर कौन है? शुमाइला खालिद जो भी मैंने आपके सामने ऐड किया। एक मिनट में लोग और ज्वाइन करें। सो नाउ आई एम बैक इन दिस स्कूल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे। केमिस्ट्री की क्लास मेरी मीन्स मैंने क्रिएट कर दी है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक मैसेज लिखता हूँ फाइल, तो ये मैसेज मेरे सब स्क्रीन पे जा रहा है। जैसे आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में आके मैसेज कर रहे होते हैं, अब आपकी क्लास की टीम है ग्रुप पर और इसके अंदर आपकी क्लास रूम के मेंबर हैं और वो मेंबर आप यहाँ मैनेज टीम पे जाकर देख भी सकते हैं कि आपने किन किन लोग। अभी देखिए टोरेपल्ली इस टीम का ऑनर है, मीन्स इज अ टीचर, और इस जो मेंबर होंगे वो स्टूडेंट हैं। सो ये आ रहा है, ये सारे स्टूडेंट आपके पास हो रहे हैं। तो अब मैं इन सब स्टूडेंट के साथ एक कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ। तो मैंने मैसेज किया, इन सब स्टूडेंट को मिला, स्टूडेंट यहाँ से मुझे रिप्लाई करेगा। इसलिए मैं म्यूट कर देता हूँ दोबारा लोगों को, ताकि आप सब लोगों को मेरी आवाज क्लियर जाए। तो अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल करूँ, अभी एक टीचर था, उसने मैसेज किया, हर बच्चा इसके ऊपर रिप्लाई कर सकता है, कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है और इस तरीके से वो अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद की यहाँ डिफरेंट स्माइलीज हैं, आप इनमें से डिफरेंट पिक कर सकते हो, कोई भी स्माइली है यू कैन सेंड टू स्टूडेंट। सिमिलरली इसमें गिफ्ट है जो आपने आपको आइडिया होगा, और जब मैं एक थैंक यू का मैसेज करता हूँ, और अगर आपके किसी ने कोई मैसेज किया या और कोई चीज आप सेंड करना चाहते हैं, तो आप इस पूरे मैसेज को भी सेंड कर सकते हैं। तो आप कम्युनिकेशन के मॉडल देख लें, इसमें डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ नीचे आ रहा मीट नाउ, मीट नाउ मीन यहाँ से आप अपनी पूरी क्लास को हमको कॉल कर सकते हैं। लाइक केमिस्ट्री की क्लास है और मैंने केमिस्ट्री की क्लास को कॉल कर दी है, जैसे मैं आप सब लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ अभी, और मेरे पास अगर मैं आपको बंदे दिखाऊँ आपकी इस कॉल पे, तो मेरे पास यहाँ लिखा आ रहा है 54। तो 54 लोग अभी आपके यहाँ इस कॉल के अंदर मेरे साथ कनेक्टेड है। आप इमेजिन करें कि एक टीचर है और इसी तरह के 54 स्टूडेंट है, और 54 स्टूडेंट इस कॉल पे कनेक्टेड होंगे। अगर आपने उसको सेपरेट रखना है, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपने सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास को के साथ कनेक्ट होना है, तो क्योंकि आपने केमिस्ट्री की क्लास ऑलरेडी ऐड की हुई है, उसमें आपने स्टूडेंट को ऐड किया हुआ है, टीचर उसमें एडेड है, तो टीचर क्या करेगा, सिर्फ इस ऑप्शन पे मीट नाउ पे क्लिक करेगा, और जैसे मैं अभी आपके साथ कनेक्टेड हूँ, इसी तरह हर स्टूडेंट उसको एक्सेप्ट करेगा, एडमिट करेगा और वो कॉल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको इस ऑप्शन को क्लिक कर नहीं रहा बिकॉज मैं आपके साथ ऑलरेडी ये कॉल पे कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो आपने केमिस्ट्री की क्लास के साथ कनेक्ट होना है, आप सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास के साथ कनेक्ट होना है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आपको यहां तक समझ आ रही होगी। अभी मैं आगे फोन कर रहा हूँ, ये तो हो गया कोर्स में आपके पास मैसेज की ऑप्शन है। अब मैं आ रहा हूँ कि फाइल्स के अंदर, क्या चीज है, देखिए आपने एज अ टीचर, और अगर आप हेड ऑफ स्टाफ हैं या आप कोई भी एजुकेशन की टीम से रेलिवेंट है, आपके डेली बेसिस पे डिफरेंट टास्क होते हैं, वो टास्क आपको पता है, लेकिन यहाँ ये प्लेटफॉर्म आपको वो टास्क मैनेज करने में हेल्प आउट कर रहा है। अब मैंने यहाँ इस केमिस्ट्री की क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट्स ऐड किए थे और एक टीचर है, ठीक है, जो इनको टीच कर रहा है केमिस्ट्री, जो टीच कर रहा है। अब इस टीचर ने और जनरल रिसोर्सेज अपने बच्चों के साथ शेयर करने हैं, कोई कंटेंट शेयर करने हैं, कोई डेली बेसिस पे क्लास में नोट्स होते हैं और कोई मटेरियल है, तो यहाँ फाइल्स के अंदर आप अपलोड की आपके पास ऑप्शन आएगी, या आपने सिंपल फाइल पे जाना है, ये आपको सिस्टम पे ले जाएगा, और सिस्टम पे जाके फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कोई स्मॉल फाइल हम एक अपलोड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पीडीएफ है और मैंने इसको ओपन कर दिया, आप देखेंगे जो मैंने अपलोड किया ये फाइल यहाँ अपलोड होगी, और जब इसका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा पूरी, तो ये मुझे प्रोग्रेस दिखाएगा और ये फाइल यहाँ अपेयर हो रही है। आप मैंने अपलोड में जाके एक फाइल सिर्फ अपलोड की, तो ये मेरा अगर 50 स्टूडेंट भी इस केमिस्ट्री की क्लास में एडिट है, 50 के 50 बच्चे अपनी लैपटॉप से अपने मोबाइल फोन पे इस फाइल को देख सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे, व्यू कर सकेंगे। ठीक है जी, कंटेंट शेयरिंग बहुत ईजी है इसमें। पहले हम क्या करते थे, आप इमेजिन करें 50 मेरे पास स्टूडेंट है और 50 स्टूडेंट को मैंने फॉर एग्जाम्पल एक प्रेजेंटेशन भेजना है, और प्रेजेंटेशन भेजने के लिए पहले तो मैं डिपेंडेंट हूँ कि उनके ईमेल आईडी मुझे बताओ, क्योंकि मैंने उनको ईमेल करनी है,
तो अब आपको वो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ये केमिस्ट्री की क्लास को ऑटोमेटिक सेटअप करनी है आप लोगों ने, और उधर रिसोर्सिंग वो भी शेयर करेंगे। हर बच्चा अगर उसने 1 लाख स्टूडेंट दिए एक क्लासरूम के अंदर, तो उसको 1000 बच्चे को इंस्टेंटली ये पार्ट मिल चुकी है इस टाइम, और वो अपने लैपटॉप में बैठ के उसको देख भी सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी मैं आपको लेके विचार रहा हूँ सिंपली क्लास नोटबुक के अंदर। क्लास नोटबुक में आप लोगों को इतना जिस तरीके से आपका लाइक बच्चा बच्चे के पास पेपर और पेंसिल होती है जिसके ऊपर वो अपनी नोट्स लिखता है डेली बेसिस पे, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने क्लास नोटबुक बेसिकली वो ही नोट्स है लेकिन ये डिजिटल नोट्स है। तो आप ये समझे कि ये बच्चे की पेपर और बच्चे की कॉपी होगी और ये बच्चे की पेंसिल होगी। लेट्स सी ये काम कैसे करता है। अभी मैं एक सेटअप कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ सेटअप का क्लास नोटबुक, ठीक है। तो आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है और एक ब्लैंक क्लासरूम पे मैं ब्लैंक पे मैंने क्लिक किया तो वो मुझे अब इसमें 3 ऑप्शंस देगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इस क्लास नोटबुक में ये चीज अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर ये जो 3 चीजें आपके सामने डिस्प्ले हो रही है तो आपको पूरा का पूरा सिनेरियो क्लास नोटबुक का नजर आ जाएगा। इसमें देखिए सबसे पहली चीज है कोलैबोरेशन स्पेस। अब कोलैबोरेशन स्पेस क्या होती है, जब भी आप कोई कंटेंट शेयर करते हैं ना किसी के साथ, तो एज अ टीचर आपके माइंड में बहुत ही कंफ्यूजन चल रही है कि यार ये वाला कंटेंट मैं शेयर तो कर रहा हूँ, क्या ये अगला बंदा डाउनलोड कर सके या उसमें चेंजेस तो नहीं कर सकेगा। या बार बार आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप ये कहते हैं कि यार एक कॉन्टेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने सिर्फ दिखाना है अगले बंदे को, या आपके 20 के 20-25 स्टूडेंट है आपने शेयर किया और वो बच्चे सिर्फ उसको देख सके, उसमें कोई चेंज ना कर सके, उसमें कोई अमेंडमेंट ना कर सके, तो आपके पास डिफरेंट राइट्स होते हैं। इन नोटबुक्स आपके पास ये 3 नोटबुक्स बेसिकली क्लास नोटबुक के अंदर क्रिएट होंगी। एक का नाम है कोलैबोरेशन स्पेस, इसमें राइट्स के अंदर जो ये लिखे हुए हैं टीचर कैन एडिट द कंटेंट, मीन एज अ टीचर अगर क्योंकि ये मेरी क्लास है तो मेरी क्लास के फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री की क्लास नोटबुक है और इसमें टीचर कैन एडिट द कंटेंट बिकॉज टीचर उसको व्यू भी कर सकता है एडिट भी कर सकता है। और स्टूडेंट के पास क्या राइट है कि स्टूडेंट भी इसको एडिट कर सकता है और कॉन्टेंट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कोलैबोरेशन स्पेस के फोल्डर में मैं जो भी चीज डालूंगा कोई भी कॉन्टेंट मैं अपडेट करूंगा, वो वर्ड की फाइल हो वो एक्सेल की शीट हो, तो दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों के पास सेम राइट है। राइट टीचर उसको डाउनलोड भी कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है, इसी तरह बच्चा राइट है वो अपने घर में बैठ के उसको डाउनलोड कर सकता है, उस फाइल में चेंज कर सकता है। एक तो चीज ये होगी। अब कॉन्टेंट लाइब्रेरी में आए, इसमें आपको डिफरेंस लगेगा ऊपर वाले फोल्डर पे, इसमें देखिए टीचर कैन एडिट द कॉन्टेंट लेकिन यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट कैन ओनली व्यू द कॉन्टेंट, मीन्स टीचर से उसको चेंजेस उस फाइल में कर सकता है। एक फाइल स्टूडेंट ने शेयर की है तो टीचर उसको एडिट कर सकेगा लेकिन एक बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ उसको व्यू कर सकेंगे। सिमिलरली अगर मैं एक टीचर और उसने कोई कॉन्टेंट शेयर किया है और वो कॉन्टेंट लाइब्रेरी के फोल्डर में हमने डाल दिया, अभी मैं क्रिएट करता हूँ आपको बताऊंगा प्रॉपर डिटेल से, लेकिन आप ये 3 कॉन्सेप्ट समझने हैं। कोलैबोरेशन स्पेस और कॉन्टेंट लाइब्रेरी में मेन डिफरेंस क्या है, वो ये है कि जनाब स्टूडेंट एडिट कर सकता है कॉन्टेंट लेकिन कॉन्टेंट लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट सिर्फ व्यू कर सकता है कॉन्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर है जी स्टूडेंट नोटबुक। आप देखिए मैं मेरी एक क्लास में केमिस्ट्री थी तो मैं ट्रेडिशनल तरीके से जब क्लास में करवाता मैं आगे चले को फॉर एग्जाम्पल मैंने डेली बेसिस पे होमवर्क को देता हूँ और उस होमवर्क में मैं उन्हें कहता हूँ कल आपने ये होमवर्क करके आना है। जब बच्चा डर कहता है मैं हर बच्चे की कॉपीज मंगवाता हूँ अपने पास और फिर मैं हर बच्चे की इंडिविजुअल कॉपी चेक करता हूँ, ठीक है। इसमें अगर मैं 20 बच्चे क्लास में हूँ तो मुझे 20 बच्चों की कॉपीज को डेली बेसिस पे चेक करना होता है एज अ टीचर, अगर मैं टीचर हूँ क्लास रूम का। तो यहाँ स्टूडेंट नोटबुक आपके पास जो भी बच्चा अपने घरों में बैठ के जो भी काम करेगा आपके पास एज अ टीचर उन सब की नोटबुक्स डिजिटली अवेलेबल होंगी। पहले तो आप कॉपीज मंगवाते थे ना, उनकी कॉपीज ओपन करते थे और फिर उसको मार्क करते थे और चेक करते थे, लेकिन यहाँ आप लोगों के पास जो बच्चा अपने पीसी के घर में बैठ के जो भी काम कर रहा है एज अ टीचर इस प्लेटफॉर्म पे आपके पास हर बच्चे का रियल टाइम डाटा अपडेट होगा। तो आप यहाँ भी उनको चेक करेंगे, यहाँ भी उनका होमवर्क देखेंगे, इसी जगह उनको आप मतलब फीडबैक भी दे सकते हैं, मार्क भी कर सकते हैं उनके अगर कोई असाइनमेंट है और कोई चीज है, वो कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट नोटबुक में लिखा हुआ टीचर कैन एडिट द कॉन्टेंट, एक टीचर है उसके पास 50 बच्चे है,
तो टीचर हर बच्चे के कॉन्टेंट में जा सकता है, देख सकता है और उसके अंदर चेंजेस कर सकता है, बिकॉज टीचर ने फीडबैक देना होता है, तो टीचर के पास ये राइट मस्ट है। लेकिन स्टूडेंट के पास क्या शो हो रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट कैन एडिट हिज और हर ओन कॉन्टेंट एंड कांट व्यू अदर नोटबुक। ठीक है, एक स्टूडेंट है और उसने अपना जब काम करना है तो उसके ऊपर सिर्फ उसका नाम शो हो रहा होगा और वो उस फोल्डर के अंदर सिर्फ अपना काम अपडेट करेगा। जो दूसरे बच्चे हैं इस ग्रुप के जो कोलीग्स हैं उसके क्लासमेट हैं, क्योंकि उसका उससे कंसर्न नहीं है, एक स्टूडेंट का स्टूडेंट से कंसर्न नहीं है, बिकॉज ये टीचर ने उन सब स्टूडेंट को असाइनमेंट दे दी है, तो टीचर तो सब स्टूडेंट का काम देख सकता है, लेकिन एक बच्चा सिर्फ अपना काम देख सकेगा। अब जब मैं इसको क्रिएट करता हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं कि ये मैं जो बातें कर रहा हूं इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, और अभी ये पूरी क्लास में इसको क्रिएट होगी और इसके अंदर हम लोग करते हैं। तो जैसे कि वन मिनट मैं कुछ लोगों को फर्दर आ रहे हैं इनको भी ऐड कर लेता हूँ कॉल में, और इतनी देर में हमारी नोटबुक की सेटअप हो जाएगी एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट। अच्छा जी, ये देखिए मेरे पास ये एक नोटबुक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली वो तीन फोल्डर दिखाता हूँ जिनकी मैंने आपसे बात की है। तो ये जब सेटअप हो जाएगी प्रॉपर नोटबुक, और ये देखो मैं अभी सिर्फ टीम्स पे हूँ, पहली चीज मैंने आपको बताई मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मतलब व्हाट्सएप की तरह मैं आपके साथ कम्युनिकेशन मेरे बच्चों के साथ स्टार्ट होती है क्लासरूम में। फाइल में मैंने आपको ये बताया आपने कोई भी कॉन्टेंट शेयर करना है, पूरी क्लासरूम के साथ कोई रिपोर्ट शेयर करना है, फाइल पे जाए अपलोड कर दे, पूरी क्लासरूम के लोग बच्चे अपने घरों में बैठे हुए हैं, सिर्फ उन्हें मोबाइल फोन चाहिए, इंटरनेट चाहिए और वो उसे एक्सेस कर सकते हैं, या उनके पास अगर डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर है उसके ऊपर वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी क्लास में ये कॉपीज होती है, पेंसिल जैसे कॉपीज और पेंसिल क्लास में है, इसी तरीके से ये सारी चीजें चेंज करनी है इसको। तो इसके अंदर आप देखिए इस क्लास में के अंदर मेरे पास तीन ऑप्शन है, एक का नाम है कोलेबोरेशन स्पेस जो भी मैंने आपको बताया, दूसरा कॉन्टेंट लाइब्रेरी बिकॉज मैं टीचर और इस टीचिंग मैं केमिस्ट्री टीच करता हूँ, तो मेरे पास कोलेबोरेशन स्पेस भी आ रही है, मेरे पास कॉन्टेंट लाइब्रेरी भी आ रही है और स्टूडेंट नोटबुक भी मैंने आपको कही थी, तो आप देखिए नीचे बच्चों का नाम आ रहा है, ये हर स्टूडेंट की एक सेपरेट नोटबुक है। जैसे मैंने एक स्टूडेंट ऐड किया था आपके सामने, उसका नाम ये था जो शुरू में बिल्कुल हमने किए थे, तो ये तीन स्टूडेंट मैंने ऐड किए थे, इन सब बच्चों की नोटबुक में यहाँ ऑनलाइन डिजिटली इसको देख रहा हूँ। तो एक बच्चे की नोटबुक में क्लिक करता हूँ और इसने फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास में होमवर्क भी सबमिट करवाया मुझे, मैं होमवर्क पे जाता हूँ तो मैं उसका पूरा का पूरा होमवर्क इधर देख सकूंगा, और ये इंफॉर्मेशन अपने घर में बैठ के अपने पीसी पे अपना काम कर रहा है, और मैं यहाँ बैठ के उसका पूरा का पूरा क्लास नोटबुक और बाकी सारी चीजें देखता हूँ, क्योंकि अभी किसी भी बच्चे ने कोई चीज सबमिट नहीं करवाई हुई, तो आई जस्ट वांट टू शो फॉर यू कि जब उसके और ये ऐसे ही प्लेटफॉर्म हो रहा होगा और बच्चे आपके असाइनमेंट ऐसे ही करेगा, मतलब कुछ भी वो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें, और एज अ टीचर जब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए आपके पास एक स्टूडेंट है वो है इस, उसका नाम ये है और उस स्टूडेंट ने फॉर एग्जाम्पल ये असाइनमेंट एक लाइन अभी मैंने लिखी है ये आपको सबमिट करवाई, आपके पास एज अ टीचर ये सारी ऑप्शन के ऊपर एक्टिवेट होंगी और इसके अंदर आप लोग देखें तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई हैव नॉट ऑफ ऑप्शन, मैं खुद को भी पेन सिलेक्ट करूंगा, जैसे आप मार्क करते हैं कॉपी, ठीक है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी चीज को अंडरलाइन कर सकते हैं और आपने जो फीडबैक देना है तो आप यहाँ एरो डालें और आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिखता हूँ। अब ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये जो चीजें ये किसको जा रही है ये कौन देख सकता है, सिर्फ ये वाला बच्चा, क्योंकि मैं फरहान सलीम की नोटबुक में ये टीचर है, तो आपने ये काम किया, आपने कोई चीज सेव करने की जरूरत नहीं है, आपने जो भी टिक किया जिस चीज को अंडरलाइन किया जिस जगह पे फीडबैक दिया वो इस फरहान सलीम की स्टूडेंट की नोटबुक में उसके पीछे पे अपडेट हो चुके हैं, तो आप बड़े इंस्टेंटली लोगों की असाइनमेंट आपको और जो है उसका काम होमवर्क आपको आ रहा है डेली बेसिस पे और आप जानते ही उसको मार्क भी कर रहे हैं चीजें उसमें ऐड भी कर रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ डिफरेंट ऑप्शन है,
एक बच्चा है उसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम किया है, जब तो वर्ड ही यूज करना आता है तो वो वर्ड यूज करे, अगर कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनानी है तो वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाए, लेकिन जब उसे सबमिट करवानी है तो वो अपनी उसके पास ये शो होगा उसके नाम के फोल्डर, उसे क्या आएगा और जो ये होमवर्क है या हैंड नोटबुक है तो यहाँ आपके पास इंसर्ट की ऑप्शन आ रही है। इंसर्ट में ये है इंसर्ट एज अटैचमेंट, आप क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप से पूरी भी फाइल, और जैसे एक बच्चे ने एक प्रेजेंटेशन बनाई है या पीडीएफ की फॉर्म में किया या वर्ड की फाइल है उसके पास, तो एक ये फॉर एग्जाम्पल एक एक फाइल मैंने क्लिक की और मैं इसको ओपन करूंगा एंड यू जस्ट कंसीडर मी नाउ अ स्टूडेंट, तो ये देखो एक पूरी की पूरी फाइल या अपलोड होना स्टार्ट हो गया, मीन्स फरहान सलीम अभी अपना होमवर्क या मुझे पीडीएफ की फॉर्म में सबमिट करवा रहा है। एक ऑप्शन ये मुझे ई मेल करे, तो आप इमेजिन करें आपके पास 40 बच्चे हैं तो 40 ई मेल आपके पास आएंगी, हर बच्चे का टास्क बेसिकली मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन टीम्स के अंदर हर बच्चा अपनी नोटबुक में जाके अपना काम अपडेट कर देगा, आपके पास या ऑप्शन होगी आप इसका काम सिंपल क्लिक करेंगे डाउनलोड करेंगे और आपके पास ये सारी ऑप्शन अवेलेबल होंगी। दूसरी चीज है आपके पास जब ये फाइल अभी अपलोड हो रही है, जब ये अपलोड हो जाएगी मैंने साथ साथ फीडबैक भी दिया हुआ है और मैं इसको यहाँ हूँ ऑडियो, तो आप इस ऑडियो पे क्लिक करेंगे आप अपना ऑडियो मैसेज फीडबैक फॉर एग्जाम्पल ऑडियो की फॉर्म में भी भेज सकते हैं, ताकि बच्चा पास फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिखते हैं फीडबैक इंग्लिश में, ठीक है, आप कहते हैं कि मैंने हिंदी में भी बच्चे को ये पूरी चीज समझानी है, तो आप इसी पर इस ऑडियो की फॉर्म पे क्लिक करना है तो ये ऑडियो ऑप्शन ऑडियो ओपन हो जाएगी, अगर आपका ऑडियो में बैकएंड की सारी चीजें सेटअप है और आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करें और जो ही आप लोग रिकॉर्ड करेंगे वो आपको मैसेज एक MP3 फॉर्म में या ऑडियो में रिकॉर्ड हो जाएगी, जिसमें आपका इन असाइनमेंट के ऊपर फीडबैक होगा, तो आप बड़े इफेक्टिव तरीके से अपनी सारी चीजें मैनेज कर रहे और हर बच्चे का काम आपके पास उसके फोल्डर के अंदर आप देते रहे, ठीक है, तो आपने बेसिकली ऑर्गेनाइज नहीं रखना, एक वैन स्क्रीन स्टूडेंट है उसके पास सिर्फ वैन स्क्रीन नजर आ रहा होगा उस स्टूडेंट को, वो अपना काम सिर्फ यहाँ अपडेट करेगा, आपने वैन को कोई फिजिकल होमवर्क देखना तो आप वैन के इस होमवर्क की टैब पर जाएंगे और आप देखेंगे कि उसका सारा काम यहाँ अपडेटेड है, और इस तरीके से आप अपने पूरा काम और पूरी एक्टिविटीज बड़े इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। इसमें बहुत सी ऑप्शन है, मैं इतना ज्यादा डिटेल नहीं कि जा रहा, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ आखिरी ऑप्शन जो कि है हमारी असाइनमेंट की, तो अभी आप देखें मैंने अभी आपके सामने एक केमिस्ट्री की क्लास क्रिएट की, फिलहाल मैं आपको दोबारा से पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ, तो आपने सिंपल इस टीम पे क्लिक करना, ये टीम पे तो मेरे पास केमिस्ट्री की क्लास ये आ रही है, आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है, जो भी काम मैंने किया होगा वो यहाँ सारा जो कम्युनिकेशन मैंने की वो सारी अपडेटेड है, आपके सामने मैंने फाइल में एक फाइल अपलोड की थी वो फाइल अपडेटेड है, आप बच्चे के रीच में फिर मैं आपको क्लास नोटबुक के अंदर देखे गया, आप क्लास नोटबुक में जाएंगे दोबारा सेटअप करने की जरूरत कर सकते हैं, एक दफा आपने सेटअप कर दिया आपकी पूरी पूरी क्लास नोटबुक ओपन हो जाएगी और साथ ही आपके सारे स्टूडेंट्स आपके पास इस फॉर्म में अपेयर हो रहे होंगे, लाइक आपके पास ये वैन आ रहा है, ये फरहान सलीम आ रहा है, ये दानिश आ रहा है, ठीक है, तो आपने किसी को भी अगर दानिश सलीम को कोई इंडिविजुअल टास्क देना है वेल एंड गुड, अगर पूरी क्लास में उनको कोई टास्क देना है फिर आपने कोलैबोरेशन स्पेस पे चीज डालते हैं, और अगर आप उनको टास्क देते हुए आप ये कहते हैं कि बच्चा आपको उस टास्क में आपकी फाइल में कोई चेंज ना कर सके फिर आपने कॉन्टेंट लाइब्रेरी में वो चीज डालनी है, तो कोलैबोरेशन स्पेस में डालेंगे सब बच्चों को मिल जाएगी, कॉन्टेंट लाइब्रेरी में डालेंगे फिर भी स्टूडेंट्स क्लास केमिस्ट्री की क्लास में जो भी रोल है उन सबको मिल जाएगी, और अगर आपने किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल बंदे को वो असाइनमेंट देनी है फिर आप अपने बच्चे के एग्जैक्टली नाम पे जाके चीजें वहां अपलोड करनी है, ठीक है जी, तो ये तो हो गया ये चीज। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका जिसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं जी असाइनमेंट। आप देखिए आप इमेजिन करें कि अभी तो मैं एक केमिस्ट्री की एक टीचर है जो केमिस्ट्री भी लेता है उर्दू भी लेता है सिंधी भी लेता है मैथमेटिक्स भी लेता है, सो डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, आई डोंट नो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिनेरियो है, लेकिन वो जो कुछ भी लेता है एज अ टीचर वो बड़े इफेक्टिव तरीके से बच्चों को मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूँ। अब एक टीचर जो कि केमिस्ट्री का टीचर है इसने अपने सारे स्टूडेंट को एक असाइनमेंट देनी है, वो असाइनमेंट अभी हम यहाँ क्रिएट करने जा रहे हैं, क्रिएट करने के बाद हम ये देखेंगे ओके स्टूडेंट को कैसे नजर आएगी, तो स्टूडेंट उसको सबमिट कराएगा उस असाइनमेंट को, वो असाइनमेंट जब सबमिट होगी
आपके पास, तो असाइनमेंट सब्मिट होने के बाद टीचर उसको रन चेक करेगा, मार्क करेगा, उसको नंबर देगा, ठीक है, और उसको फीडबैक भी देगा उसकी असाइनमेंट के ऊपर। तो अब ये जो असाइनमेंट वाला पार्ट है ये हम करने जा रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी, मेरे पास एक साइंस की क्लास है, मैं केमिस्ट्री की क्लास नहीं जा रहा, बिकॉज क्या मेरे पास ऑलरेडी मुझे दोबारा क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं आपको एक और क्लास साइंस की भी पा रहा हूँ और इसमें आप असाइनमेंट पे चले जाते हैं। आपके पास हर जगह ये सेम ऑप्शन आ रही है, आप साइंस की टीम पे जाए, मैथ में जाए या चाहिए। अब यहाँ देखें, मेरे पास सबसे नीचे आ रही है ऑप्शन क्रिएट अ टीम, क्रिएट असाइनमेंट। तो क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे आप लोग, तो आपके पास एक फॉर्म ओपन आ जाएगा और इस फॉर्म के ऊपर अब मैं एक असाइनमेंट अपने बच्चों को देने जा रहा हूँ और वो असाइनमेंट है मुझे लाइक केमिस्ट्री एक टॉप सब्जेक्ट है और इसमें मेरा है टॉपिक लाइक कोई भी टॉपिक ऊपर केमिस्ट्री डेमो असाइनमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद करके असाइनमेंट का नाम देता। ये टीचर है केमिस्ट्री का, ये अभी बच्चों को असाइनमेंट देने जा रहा है और ये है इंस्ट्रक्शन। आप हर टीचर अपने इंस्ट्रक्शन लिखेगा अबाउट दैट असाइनमेंट, जो बच्चों को आपके असाइनमेंट के ऊपर इंस्ट्रक्शन देने हैं, वो इंस्ट्रक्शन देने के प्लीज फॉलो द बिलो इंस्ट्रक्शन और इसमें आप बुलेट पॉइंट में भी दे सकते हैं। मैं सिर्फ डमी लिखता हूँ कि आपके पास जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एड रिसोर्स नीचे लिखा हुआ है। आपको लगता है कि मैंने इस चीज की ये असाइनमेंट इतनी ईजी नहीं है, बच्चों को कोई रिसोर्स मटीरियल भी इसके साथ भिजवाना है, वो वीडियो भी हो सकती है, वो आपका ऑडियो मैसेज भी हो सकता है, वो कोई पीडीएफ की फाइल भी हो सकती है, वो एक्सेल की कोई शीट भी हो सकती है। तो आपके पास ये ऑप्शन आ रही है उसके एड भी सोर्सेज की, क्लिक करेंगे इसको तो वो सिस्टम आपसे पूछेगा कि ये रिसोर्स का अपलोड करना है। तो ये आ रहा है अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस, आप इसको क्लिक करेंगे, ये डेस्कटॉप पे ले आप क्लिक करेंगे और एग्जाम्पल मैं इसको एक फाइल को क्लिक करता हूँ, तो ये पूरी की पूरी फाइल भी आपकी असाइनमेंट के साथ अपलोड कर लिया और ये इस असाइनमेंट के साथ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम क्या रहे हैं, असाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो डन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आगे रिसोर्स ये मेरे पास ऐड हो गया, टीटीटी ब्लॉक ऑफ ग्राफ, ये पूरी की पूरी फाइल यहाँ ऐड हो रही है। ये क्योंकि पीडीएफ की फॉर्म है, आपके पास कोई वीडियो आपने भिजवानी है उसका लिंक आप क्रिएट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, आप वीडियो पूरी की पूरी अटैच कर सकते हैं। तो मैंने किया क्या है कि मेरे पास केमिस्ट्री की क्लास है, मैंने इंस्ट्रक्शंस दी, मैंने रिसोर्स उसमें ऐड कर दिए जो असाइनमेंट में मेरे बच्चों को हेल्प करेगी। या वो पूछते हैं कि इस असाइनमेंट के नंबर कितने हैं, तो मैं इसको दे देता हूँ कि ये 200 मार्क्स की असाइनमेंट है, ठीक है। अब 200 मार्क्स के बाद वो नीचे रूब्रिक, आप होपफुली आप टीचर हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा रूब्रिक का बेसिकली असेसमेंट क्राइटेरिया होता है उसके जिसके बेसिस पे आप असाइनमेंट चेक करते हो। तो रूब्रिक आप यहाँ भी क्रिएट कर सकते हो और आपके पास ऑलरेडी वो रूब्रिक बनी हुई, आप उसको अपलोड भी कर सकते हो। तो मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ अभी। अब वो कह रहा है कि ये असाइन टू किस क्लास को असाइन करनी है ये वाली असाइनमेंट, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास साइंस आ रहा है, बिकॉज अभी आप मेरी लेफ्ट साइड पे देखो, मैं साइंस की क्लास में ही हूँ तो मेरे पास साइंस आ रहा है। तो आप आगे मुझसे पूछ रहे हैं सब स्टूडेंट को ये असाइनमेंट जानी चाहिए या किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को भेजनी है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये असाइनमेंट है दानियाल को और ये दो बच्चे हैं इनको जाए, बाकी किसी को भी नहीं जानी चाहिए। तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि टू स्टूडेंट आ गए इंस्टेड ऑल स्टूडेंट की जगह ये टू स्टूडेंट, क्योंकि ये वाले टू स्टूडेंट मैंने सिलेक्ट किया हुआ। मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ और अब ये चेंज हो गया ऑल स्टूडेंट के ऊपर। ये मैंने बस बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है और मैंने असाइन के बटन पे क्लिक करना है। जो भी मैं असाइनमेंट के बटन पे क्लिक करूंगा, आपके अगर 50 बच्चे भी हैं एक क्लासरूम में जो कि साइंस टीच करते हैं, जो साइंस की टीम है, तो 50 के 50 बच्चों को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा उनके मोबाइल फोन के ऊपर, उनके डेस्कटॉप के ऊपर। आप देखेंगे अभी मुझे इंस्टेंट एक नोटिफिकेशन आ गया असाइनमेंट, ठीक है, फॉरन। और मैं तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे ने इसको पोस्ट पे जाएगा और ये असाइनमेंट उसको नजर आ रही होगी, ये उसकी असाइनमेंट की टैब में भी नजर आ रही होगी। मैं आपको दिखाता हूँ असाइनमेंट में जाके, तो आप देखिए मैंने अभी की है केमिस्ट्री डेमो असाइनमेंट, ठीक है, क्लिक करते हैं इसको और देखते हैं। ये टीचर का व्यू है, टीचर के पास देखिए क्या स्टेटस आ रहा है कि एक असाइनमेंट है टीचर ने जो अपलोड की केमिस्ट्री की, इसकी व्यू डेट है कल की 11-12 बजे से पहले स्टूडेंट ने सबमिट करवानी, ठीक है जी। ये तो टीचर का व्यू, अब मैं आपको स्टूडेंट का व्यू दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट के पास ये साइट कैसे अपडेट होगी,
स्टूडेंट को पता चलेगा उनके लिए केमिस्ट्री के एक असाइनमेंट की ड्यू डेट कल की जाए, टीचर्स ने मेरी ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और ये रेफरेंस फाइल है जिसको बच्चा डाउनलोड कर सकेगा और आपके सामने मैंने 200 मार्क्स रखे थे तो यहाँ लिखी में लिखा हुआ 200 पॉइंट्स अवेलेबल, तो बच्चा यहाँ सबमिट करवा सकते हैं अपनी असाइनमेंट। टीचर्स के पास हर बच्चे की डिटेल आ रही होगी, लाइक दानिश सलीम आगे स्टेटस अगर आप देखें नॉट टर्न इन मींस दे हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट येट, ठीक है। और जो भी कोई बच्चा असाइनमेंट सबमिट करवाएगा तो आपका ये स्टेटस यहाँ से चेंज होके स्टेटस चेंज हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने जब असाइनमेंट सबमिट करवाई तो स्टेटस में यहाँ लिखा मारा होगा सबमिटेड और यहाँ लिए लिखा होगा टर्न इन। तो जब आपने फॉर एग्जाम्पल आपको इस दानिश में एक असाइनमेंट सबमिट करवाई है और यहाँ स्टेटस टर्न इन आ रहा है, आप इसे उसके नाम पे क्लिक करना है, उसकी पूरी की पूरी असाइनमेंट आपके पास फ्लश हो रही होगी। अगर वो वर्ड पॉइंट है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, किसी भी फॉर्म में वो असाइनमेंट सबमिट करवा रहा है तो आपकी इस पेज पे वो असाइनमेंट अपलोड हो रही है। यहाँ लिखा है प्रूफ वर्क अटैच, बिकॉज अभी तक किसी स्टूडेंट ने सबमिट नहीं करवाई, अगर वो उसमें अटैच की होगी अपने पीसी पर तो आपने यहाँ से सिंपल फ्री असाइनमेंट को रीड कर लिया और एग्जाम्पल आप उसको रीड कर लो। रीड करने के बाद अब आपको अंडरस्टैंड होगी कि बच्चे की असाइनमेंट थी की असाइनमेंट पर आपकी, तो ये वो ऑप्शन है जहाँ लेफ्ट साइड पे जहाँ आप फीडबैक दे सकते हैं बच्चे को इस असाइनमेंट के ऊपर। और मतलब मैं तो फीडबैक दे रहा हूँ, योर असाइनमेंट वॉज गुड, नीड सम चेंजेस, रीच आउट मेंशन वी नो फॉर गुड, ये मैंने उसको फीडबैक दिया। और मुझे पता है क्योंकि मैं यहाँ असाइनमेंट देख चुका हूँ, ये पूरी से चेंज उसकी असाइनमेंट नजर आ रही होगी मुझे, और अब मैंने इसकी बेस पे डिसीजन भी कर लिया क्योंकि यार इसकी इसको मैं अगर 200 में से मार्क्स ले रहे थे तो यहाँ नीचे शो हो रहा है 200 में से कितने मार्क्स थे, तो मैं फॉर एग्जाम्पल इसको दे रहा हूँ 130 नंबर, इसकी असाइनमेंट अच्छी थी, मैंने फीडबैक भी ऊपर लिख दिया और मैंने इसको 130 मार्क्स दे दिए और मैंने इसको रिटर्न कर दिया। तो आप जो ही इसको रिटर्न किया करेंगे तो बच्चे को अपनी डेस्कटॉप के ऊपर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि योर असाइनमेंट हैज बीन मार्क्ड बाय योर टीचर, और टीचर को क्या नजर आएगा, ये टीचर भी आप डैशबोर्ड में अगर आप देख रहे हैं चार नाम शो हो रहे थे पहले, अब तीन हो रहे हैं, बिकॉज एक को मैं ग्रेड कर चुका हूँ, असेस कर चुका हूँ, तो मैं ग्रेड में जाऊंगा तो उस बच्चे का स्टेटस मुझे यहाँ नजर आ रहा है। अब मैं देख रहा हूँ दानिश सलीम यहाँ स्टेटस देखें अगर आप, तो रिटर्न मीन्स आई हैव रिव्यूड द असाइनमेंट एंड आई हैव रिटर्न टू माय स्टूडेंट, तो मैंने रिटर्न की और मैंने उसको फीडबैक क्या दिया था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास लिस्ट का बार जिनको रिटर्न किया 100 बंदों की, तो टीचर को यह परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किस बच्चे को क्या फीडबैक दिया था, ये फीडबैक लिखा हुआ सिर्फ इस क्लास के साइन पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा फीडबैक टीचर का यहाँ शो हो जाएगा आपके पास। और आपको दानिश सलीम को मैंने कितने नंबर दिए वो भी मेरे पास 130 नंबर शो हो रहे होंगे, तो इस तरीके से मैं ये अपनी पूरी चीजें मैनेज कर सकता हूँ। सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको ये बता रहा हूँ आपकी पोस्ट में कम्युनिकेशन है, आपकी फाइल्स के अंदर आपके कॉन्टेंट है जो आप बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्लास नोटबुक में पूरी डिजिटल क्लास नोटबुक कॉपी और पेंसिल के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, असाइनमेंट के अंदर टीचर पर्सपेक्टिव में देखें तो टीचर के पास एक एक चीज का रिकॉर्ड, एक एक बच्चे का रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, और यहाँ से जो भी चीज अपडेट करेगी सिर्फ अपने सिस्टम पे जाएगी, उसे पता होगा कि कितने लोगों ने असाइनमेंट देखी, कितने लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवाई, कितने लोगों को एज ए टीचर, और अगर आप हेड ऑफिस में आप देखा जाए कि टीचर का रोल क्या है, तो टीचर ने फीडबैक दिया होगा तो आप हेड ऑफिस में बैठ के देख सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर कि किस टीचर ने किस टाइम पे क्या फीडबैक दिया है, किस बच्चे को क्या नंबर दिए और किस नंबर की बेस क्या थी, और वो सारी चीजें आप लोग बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप ये जब सारी चीजें कंबाइन हो जाएंगी तो यहाँ लिखा हुआ एक्सपोर्ट टू एक्सेल, तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आपके पास ऑटोमेटिक ये पूरे बच्चों की असाइनमेंट का रिकॉर्ड एक्सेल की शीट में ये कंपाइल करके मुझे दे देगा। तो आप यहाँ देखिए अगर ये एक्सेल की शीट मैंने अभी सिस्टम से डाउनलोड किए, ये मुझे बता रहा है ये फरहान है, ये सलीम इसका पोस्ट नाम है एक स्टूडेंट का, ये इसका ईमेल आईडी है, 200 मार्क्स के इस असाइनमेंट के फीडबैक मैंने कुछ भी नहीं दिया हुआ क्योंकि मैंने राजा दानिश को ये फीडबैक दिया था, तो अगर आप इसके देखें मेरा पूरा का पूरा फीडबैक आ रहा है, 200 मार्क्स में से 130 से अटेन किए हैं, ये इसका ईमेल आईडी है और ये इसका प्रॉपर नेम है, तो ये ऑटोमेटिक आपको सिस्टम जनरेटेड एक्सेल शीट में मतलब जो भी आप हेड ऑफिस के साथ अगर टीचर तो टीचर अपना शेयर कर सकता है, अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकता है, तो वो रिपोर्ट भी ऑटो जनरेटेड है। तो जी ये तो हो गया बेसिक चीजें जो कि किसी भी टीचर को मस्ट चाहिए अपनी क्लासरूम में अगर वो एक इफेक्टिव क्लासरूम कंडक्ट करना चाहता है। अब मैं आपको लास्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ जो कि है
आपने कॉल नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, उसने दूसरे टीचर के साथ कनेक्ट होना है। एक टीचर है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है, घर में वो बैठा हुआ है, किसी बच्चे के साथ कनेक्ट होना है, तो वो सिंपल इस तीन डॉट्स पे जाएगी, ये कॉल है, कॉल की ऑप्शन आ रही है, क्लिक करेगी है, ये है मे का कॉल। और मे का कॉल में फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टूडेंट है फरहान, मैंने इसको ऐड किया, और एक स्टूडेंट उनका नाम है जैन। इन दोनों को अगर ऐड किया, यहाँ आप 250 बंदों के साथ एट ए टाइम कॉल कर सकते हैं, 250 पीपल टू बी कनेक्टेड इंस्टेंटली थ्रू वन कॉल। तो मैंने सिंपल उनके नाम लिखे दिए यहाँ, और मैंने ये ऑडियो कॉल की ऑप्शन है, ये वीडियो, खत्म होगी। आप लोगों की जरूरत नहीं है, जो काम किया होगा ये सारी इंग्लिश के पास छोड़ रहे होंगे, वो साइन इन हो अगले दिन साइन आउट हो सिंपली, और नंबर में साइंस की क्राफ्ट हो जाएगा, देखेगा जी और नंबर टीचर नहीं है, देखेगा कि साइंस की मैंने कल असाइनमेंट दे दी या उसको एक वीक गुजरे क्या, तो उसने देखा जाती है सिर्फ असाइनमेंट पर जाएगा और स्टेटस पूरा उसके पास नजर आ रहा होगा उसको, तो यहाँ की यहाँ पे टू रिव्यूड है। अब यहाँ स्टेटस अगर आप रिटिंग टू रिव्यू मीन दो बच्चे ऐसे जिनने ये असाइनमेंट रिव्यू की है और आपने सबमिट भी करवाई, ठीक है। आपके पास पूरी क्लास मैनेजमेंट साइट पे के आपके पास कॉल करने की ऑप्शन अवेलेबल है, ऑडियो कॉल भी है, वीडियो कॉल भी है। आप मैं आपको आखिरी चीज बता देता हूँ, जुड़े क्लेटर या एक टीचर अपनी पूरी बात उनका स्कैड्यूल बनाता, ठीक है, ठीक है। आपको मैं अभी आप देखिए मेरे क्लेटर में कुछ चीजें आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है एस टीम सेल ऑक्सफर्ड आपको मानिए तो जो भी ओपन सोर्स एप्लीकेशन भी इवन मिलती है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, आपके पास सारे एजुकेशन की ऐप माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ इंटीग्रेटेड है, आप किसी भी ऐप से बेनिफिट ले सकते हैं। मैंने इसके कम्युनिकेशन भी की, मैंने असाइनमेंट भी की, मैंने बच्चों के असाइनमेंट को ग्रेड भी किया, तब जब मैं कॉल भी आई इसी थी इंस्टीट्यूट वीडियो कॉल भी कर रहा हूँ और साथ साथ मेरे पास आपको आवाज आ रही है तो नहीं पर कोई बता दी आपकी आवाज आ रही है, अच्छा वो एक्चुअली मैं दो अकाउंट की कनेक्टेड तो वही से मैंने इसको एनी नाउ आप देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि टीम्स के ऊपर आपके पास कोई भी चीज जो आप ट्रेडिशनल फिजिकल क्लास रूम में अंदर करते हैं कंटेक्ट करवाते हैं टीचर एक्टिविटी, वो सारी ऑप्शन मैंने आपको दिखाई है, कॉल
एक बहुत सारे ऑप्शन से मैं अभी उसको दोबारा डिस्प्ले करता हूँ, अपना ये स्क्रीन पे लिख करता हूँ आप लोगों का, और यहाँ मैं आपको एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ, ये मेरी कॉल है, मैं अपने साथ बिजनेस को देखने जाऊँ और साथ ही मेरे पास हर बच्चे की ड्रेस भी शो हो गया कोई है या बिल्कुल टू रिकॉर्डेड, ठीक है, उसके रिकॉर्डिंग हमारे पास आ रही है स्टाफ रिकॉर्डिंग, फिर मैंने इसको क्लिक किया। आप इमेजिन करें एक टीचर 50 बच्चों के साथ कनेक्ट होना चाहती है, उस 50 में से 30 बच्चे कनेक्ट हुए, 20 बच्चे किसी भी रीजन की वजह से कनेक्ट नहीं हो सके, लाइक 20 बच्चों में से कुछ बीमार थे, उन 20 बच्चों में से कुछ इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो आपके साथ जितनी देर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये पूरी की पूरी कॉल रिकॉर्ड भी हो रही है, और ये रिकॉर्डिंग आप बात की एक लूप बोल सकते हैं किसी भी बच्चे को, वो अपने मोबाइल फोन पे जब भी उसे टाइम मिले, जब उसके लिए कन्वीनियंस हो वो रिकॉर्डिंग देखे और आपका पूरे का पूरा सेशन रिकॉर्ड होगा। दूसरी पॉइंट ये कि आपका कॉन्टेंट मैनेज हो रहा है, टीचर के पास एक रिसोर्स मैनेज होता, अपडेट होते रहेंगे, लाइक आपको एक साल के बाद आपके पास अच्छा बड़ा डाटा होगा, जो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेरी आती है बच्चे की, आपको पता होगा कि मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग पड़ेगी, आपने सिंपल शेयर की बच्चे का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये लिटिल बिट लिटिल बिट अबाउट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इसमें और भी बहुत से फंक्शन है, लेकिन ये जो मेजर फंक्शन थे प्लेटफॉर्म कैसे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और आपकी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे, और क्वेश्चन पूछने के लिए आपने अपना माइक अनम्यूट कर लें और एक एक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देन वी विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू।